आज हम लोग राजकीय माध्यमिक विद्यालय गंभीरा में है और इससे पहले का आपने लाइव सेशन देखा होगा, इमेज न्यूज़ भी देखी होगी, वीडियोस भी देखे होंगे और लाखों की संख्या में उसको देखा गया। मुद्दा ये था कि ये जो सरकारी विद्यालय है इसको यहाँ से हटा करके और छारोदा के जो धाणी है उसमें शिफ्ट करने के बाद शिक्षा अधिकारी की तरफ से आदेश आए थे, जिसकी मुखालिफत यहाँ के स्टूडेंट्स ने की, यहाँ के पंच पटेलों ने की कि यहाँ इस स्कूल से जिस स्कूल में मर्ज करना है वहाँ पर 60 का नामांकन है, यहाँ पर 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नामांकन है, 90% जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो इसी गांव के हैं और हमारी जो बड़ी बेटियाँ हैं इस गांव की उनको भी जाने में दिक्कत होगी, नाला पड़ता है बीच में, बारिश में नाला उफान पर रहता है, तो उसके लिए 4 तारीख से लगातार विरोध कर रहे थे। आज उस विरोध को इन लोगों को विरोध करने के बाद सफलता मिली है और ये आदेश आया है कि ये जैसा एज इट इज़ यहाँ जहाँ चल रहा था स्कूल वहीं चलेगा। तो गांव में पूरी तरह अगर आप देखेंगे पूरे यहाँ के पंच पटेल और गांव के जो नागरिक हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, सबके चेहरों पर खुशी है और खुशी का मौका इसलिए है क्योंकि इन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब ये यहाँ पर हमने इशू उठाया था आप लोगों का जो समर्थन था, लोगों ने इस वीडियोस के माध्यम से, लाइव के माध्यम से ये बात को आगे पहुंचाई, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर, उसके अलावा स्थानीय विधायक और शिक्षा विभाग जो है राजस्थान सरकार का है वहां तक ये पूरी बात गई। तो ये एक आप लोगों को भी हम इस लाइव के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने बड़ी संख्या में उस लाइव को देखा और हमारी जो खबरें थी उनका भी असर हुआ और आज इन लोगों को यहीं स्कूल में, इसी स्कूल में शिक्षा ये कंटिन्यू अपनी करेंगे। यहाँ पर कुछ बालिकाएं और बालक मौजूद हैं और हम चाहेंगे पहले कि हम इस खुशी के मौके पर जो प्रार्थना आप इस स्कूल में करते हैं उस प्रार्थना को आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। जी ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। में नहीं, पत्थर में नहीं, हृदय में मिलेंगे कभी ना कभी। लोहे में नहीं, पत्थर में नहीं, हृदय में मिलेंगे कभी ना कभी। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। माता में नहीं, पिता में नहीं, गुरु में मिलेंगे कभी ना कभी। माता में नहीं, पिता में नहीं, गुरु में मिलेंगे कभी ना कभी। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सलयू में मिलेंगे कभी ना कभी। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सलयू में मिलेंगे कभी ना कभी। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी।
तो ये स्कूल है जहाँ का पूरा मामला था। लगभग 4 तारीख को हमने जब डाला था वीडियो, और सबसे पहले एक ब्रेकिंग के थ्रू डाला, उसके बाद में एक छोटा वीडियो आपने देखा होगा, उसके बाद पूरा हमने आपको इस गांव के की जो ये यहाँ बैठक है और स्कूल के बाहर, और इन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था लगभग 15 लाख रुपया का कंट्रीब्यूशन शिक्षा के लिए दिया, स्कूल की बिल्डिंग के लिए दिया। तो शिक्षा में कहीं ना कहीं ये लोग अपने घर से ही भामाशाह बनने की का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत लो प्रोफाइल लोग यहाँ पर हैं। हम इनसे मिले और उस वक्त में हमने यहाँ आपके साथ में इन लोगों की जो समस्या थी वो रखी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ में भी वार्तालाप हुई, डीओ के साथ में बातचीत हुई, और वीडियो जो है ये काफ़ी वायरल हुए। लगभग 2,10,000 लोगों ने इन पूरी न्यूज़ और वीडियोज़ को देखा। तो अब यहाँ पर माहौल कैसा है, गांव का क्या लग रहा है आपको, खुशी का माहौल है क्या? जी कौन बोलेगा? हाँ सर, मैं हमारे सभी समस्त ग्रामवासियों व सभी स्टूडेंटों की तरफ से आप सब मीडिया वालों व सवाई माधोपुर वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा इतना सहयोग किया कि हमारी मांग को राज्य सरकार तक पहुँचाया, ताकि राज्य सरकार हमारी मांग को सुने, और उन्होंने सुना हमारी मांग को, यथावत हमारी स्कूल वहीं के वहीं रह गई और हमारे सभी बच्चे यहीं पढ़ेंगे, और इस डिसीजन से पूरे ग्रामीणवासी खुश है। बहुत बढ़िया, ठीक है। उस दिन भी बोले थे बच्चों ने, अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पर फैसला आपके हक में आ गया, स्थिति यथावत रहेगी, आपकी एजुकेशन यहीं चलेगी, है ना? तो आपको कैसा लग रहा है, इतनी लंबी दूरी से भी आप बच गए, हालांकि फैसला जो था वो इस तरह का था, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ 2 किलोमीटर दूर से हम बच गए, वहाँ सर आपका ठेगा है, वहाँ जुए खेलते हैं और वहाँ ना शराब पीकर पड़े रहते हैं, इसलिए हम नहीं जाते। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ छोटे छोटे भैया बहन रहे, उससे हम बच गए और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ रह गई स्कूल। आपको क्या लगता है कि उस दिन आप बोल रहे थे कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, काफी आप लोगों ने भी भूखे प्यासे उस दिन बैठे रहे, 4 तारीख को हम आए थे, अब कैसा फील कर रहे हैं आप, खुशी है? हमको ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल यहाँ पे रह गई। हम वहाँ पे जाने से बहुत परेशान थे, वहाँ पे जाने से परेशान थे क्योंकि वहाँ पे एक नाला आता और उसमें बहुत सारा पानी आता है, इसलिए हमको वहाँ पे जाने से बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं कि हमारी स्कूल यहीं रहे, हम यहाँ पढ़ने से बहुत ठीक रहते हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो हमारी पढ़ाई सही नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं। इसलिए सभी वीडियो वालों और सभी गांव वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए ये कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया जी, गांव और जो बुजुर्ग हैं आप आइए, आपका भी आपने काफ़ी मेहनत की है, कैसा हम लोगों ने आपके मुद्दे को उठाया, यहाँ पर आए आप लोगों का काफ़ी प्यार दुलार हम लोगों को भी मिला, हमारी कोशिश ये थी कि आपको आपका हक मिले, क्या लगता है अब आपको, कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे यथावत यहाँ पढ़ते रहेंगे, हमारा रोम रोम खुश हुआ जैसे एप्स वाला हमारी बात सरकार तक पहुँचाए, और हमारा सरकार ने भी ध्यान रखा जो स्कूल को यथावत यहाँ के यहाँ चलाने का आदेश दिया, इसलिए सभी ग्रामवासियों को यानी तन मन धन से इतने खुश हैं कि उसको कुछ कह नहीं पाते, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा एप्स वालों को धन्यवाद देता हूँ, चाहता हूँ कि हमारी बात सरकार तक पहुँचाए और सरकार ने हमारी तरफ ध्यान दिया और हमारी स्कूल को यथावत जहाँ का तहाँ रख दिया। एक ये ऑर्डर की कॉपी आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा कैमरा इस तरफ एक बार दिखा दीजिए। ऑर्डर में लिखा है कि जो पहले एक बार आया था आदेश, आदेश नंबर 1613, उसको निरस्त कर दिया गया है, विद्यालय जो है वो व्यवस्था उसकी पूर्ववत रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है, और ये इस तरह का निर्देश भी दिया गया है कि जो यहाँ की SDMC जो कमेटी होती है, SDMC कमेटी, वो आपस में बातचीत करके उस वाले स्कूल के और इस वाले स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में आपस में बातचीत करके ये तय कर लें कि भाई वहाँ पर भी जो है वो स्कूल चलेगा और यहाँ पर भी ये कंटिन्यू रहेगा। बहरहाल बड़ी बात ये है, बड़ी खबर ये है कि हमने हमारी जो छोटे मोटे जो प्रयास थे वो रंग लाए, इन गांव वालों के इन मासूम बच्चों की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी खुश भी हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे फॉलोअर्स का, जिन्होंने ज़्यादा से बहुत ज़्यादा संख्या में कमेंट किए और शेयर किया वीडियो को, हमारे गाँव वालों के ऊपर पूरा ध्यान दिया और हमारे गाँव वालों की समस्या सुनी है, हमारे गाँव आज खुशी की लहर दौड़ रही है। इतना कहकर मैं एप्स वालों को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, ना जी आइए बताइए।
ये आपको नमस्कार और आपके सहपाठियों को नमस्कार। ये है कि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत ही गजब रहा, और इन बच्चों के भविष्य के लिए आपका सहयोग बहुत ही अच्छा रहा, और हम सभी गांव वाले आपको बार बार धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया समस्या को, आपने बताई और हमने इस समस्या को जो है वो शिक्षा की बात थी, शिक्षा के अलग करके सवाईमाधोपुर ऐप बहुत सारे मुद्दे उठाती है, डिबेट्स करती है, डिस्कशंस करती है। आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास की इस तरह के कोई मुद्दे हैं जो वाकई में उठने चाहिए, सरकार तक प्रशासन तक बात पहुंचनी चाहिए, तो आप सवाईमाधोपुर ऐप को फॉलो कर और कमेंट बॉक्स के जरिए, मैसेज के जरिए आपकी जो आसपास की सूचनाएं हैं, खबरें हैं, मुद्दे हैं वो हमें बता सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे गांव वालों को पुनः बधाई देता हूं। अगले किसी मुद्दे के साथ फिर आपके साथ लाइव आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।